एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल पे आपका स्वागत है आज मेरे साथ में है बच्चों के सबसे ज्यादा प्रेरित शक्तिमान जी इनका नाम है मुकेश खन्ना जी मुकेश खन्ना जी आप सूरत आए हो कैसा लग रहा है आ, सूरत की सूरत भी पसंद है और सीरत भी पसंद है मुझे सूरत मैं कई बार आ चुका हूँ कई बिकॉज uh, क्या मेरी इनिंग्स अभी की शुरू नहीं मेरी इनिंग्स जो अभी थर्ड इनिंग चल रही है एक महाभारत के था एक महाभारत के पहले मेरे फिल्मों का हीरो था महाभारत के बाद फिर अभी शक्तिमान के बाद सो आई डोंट नो महाभारत के टाइम पे भी काफी टाइम आना पड़ा मुझे श... शक्तिमान के बाद भी आना पड़ा और इस वक्त भी मैं सो so, मैंने अक... सूरत बदल गया है काफी मतलब इस जमाने का सूरत और आज का सूरत में काफी प्रोग्रेस दिख रही है सो इट्स माय सर आप सूरत में आए हो तो आपने खाने में क्या खाया हुजूर हम खाना वही खाते हैं जो हम बम्बई में खाते हैं ये बात एक जो जो आप लोगों का एक डायलॉग होता है कि मैन यू आर इन रोम यू बिहेव लाइक रोमन्स मैं उसमें बिलीव नहीं करता हूँ मैं बिलीव करता हूँ इवन इफ यू आर इन रोम बिहेव लाइक इंडियन सो मेरे लिए वहां का क्या खाना है वो नहीं है मेरे मेरे जो डेली डाइट में जो खाना होता है मैं वही खाता हूँ यहां भी मैं आज सुबह से कुछ नहीं खा पाया मैं निकला वहां से तो यहां पर आके अभी होटल में सिर्फ थोड़ा सा टाइम मिला तो होटल में खा लिया तो सूरत में बाहर निकल के आप बोलो कि मैं सूरत की मिठाई खाऊं सूरत के मैं पापड़ी खाऊं गजक खाऊं नॉट पॉसिबल सर आप बच्चों में काफी प्रेरित रहे हो तो आप उनके लिए आप क्या कहोगे बच्चे पिछले सत्रह अठारह सालों से मैं बच्चों के बीच घूम रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान भर के स्कूलों के फंक्शन के इनोग्रेशन होते हैं कभी आ, सालाना फंक्शन होता है तो मेरे लिए बच्चे वही है जो नाइन्टी में थे लेकिन उस जमाने में मैं उनसे कहा करता था कि सिट टॉल स्टैंड टॉल स्टैंड वॉक टॉले जब भी बैठो सीधे बैठो जब भी खड़े रहो सीधे खड़े रहो जब भी चलो सीधे चलो ये शक्तिमान का पहला मंत्र था आज उसकी जरूरत है लेकिन उससे ज्यादा इसकी जरूरत है ये जो मोबाइल फोन है जो एक बहुत बड़ा इन्वेंशन मिला है इससे दूर रहो बच्चों को मैं कहता हूं ये वर्चुअल वर्ल्ड है आप कहते हो कि आप सोशली एक्टिव हो माई फुट आप सोशली एक्टिव नहीं हो सोशली एक्टिव वो होता है जब आप माँ बाप के साथ दोस्तों के साथ भाई बहनों के साथ बैठ कर बात करते इसके थ्रू आई 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 लव यू, यू, यू। डोंट लाइक हेट दिस समथिंग इज वेरी वेरी डेंजरस फॉर टूडे किड्स सो मैं कोशिश करता हूँ उनको समझाने की कि इसको उतना यूज करो जितना आपको यूज करना है जी बिल्कुल बच्चे लोग पूरे वर्चुअली हो गए हैं और माँ बाप से कनेक्शन एकदम दूर से कर दिया है और पूरे ही मोबाइल के अंदर रहते और नई एक्सरसाइजेस के ऊपर डिपेंड करते हैं बस अपने अपने मन में ही रहते आप एक्टिंग क्लासेस भी चलाते हो तो आप उसके बारे में क्या देखिए मैं जब मैं आगरा में चलाई थी मैंने अभी इस वक्त मेरे पटना में चल रही है बिहार में उसके पहले जयपुर में भी थी आ, सब लोगों को एक्टर बनना है जिसको भी देखो आजकल तो टीवी ने तो और भी छोटे छोटे बच्चों को भी बिगाड़ दिया उसकी माँ उसको पकड़ पकड़ के लेके आती है जब से बालिका बधू चल गई तो कहीं ना कहीं स्कूल छूटता है मैं ये कहता हूं उन लोगों को तो मैं तो ये कहता हूं एक्टर बनना है बनो आप एक्टिंग सीखना है सीखो बिकॉज एक्टिंग आपको क्लासेस आपको एक्टर एक्टर नहीं बनाएगी लेकिन अगर आपके अंदर एक्टिंग का गुर है तो उसको बाहर निकालेगी सो यू कैन पॉलिश आपके अंदर अगर एक्टिंग का गुर है आपका ये शरीर है आपके अंदर ये बॉडी है इसको आप कैसे आप करोगे उस तो पर डिपेंड करता है उसमें कोई आप बोलो कि भी ए, किसी को भी डाल दो एक्टिंग स्कूल के अंदर वो एक्टर बन के निकलेगा जरूरी नहीं है आपके अंदर रिदम होना चाहिए तो आप डांसर बनोगे रिदम नहीं है तो डांसर नहीं बनोगे तो करना चाहिए मैं तो मानता हूँ एक्टिंग क्लासेज बिकॉज एक्टिंग क्लासेज आपको कॉन्फिडेंस देती है आपके गलतियां आपको बताती है आपके प्लस पॉइंट्स आपको बताती है आप तीन महीने की क्लास मैं तो दो साल फिल्म इंस्टीट्यूट में रहा हूं आज तीन महीने में लोगों को फास्ट फूड चाहिए तो आई रिकमेंड देम कि आप क्लासेस ज्वाइन कीजिए और और माइंड फाइंड आउट कीजिए कि आपके अंदर अगर आप दस साल में काफी कुछ और भी एक्टिविटीज कर रहे हो तो उसके बारे में कुछ मैं, मैं फिल्म इंडस्ट्री में, में मेरे तीस, तीस साल से ज्यादा हो गए समझता हूँ लेकिन कहा तीसरी इनिंग चल रही है पर मैं इंडस्ट्री से दूर नहीं हुआ हूं मैं इंडस्ट्री में कभी पास भी नहीं हुआ हूं मैं इंडस्ट्री में रहकर भी इंडस्ट्री से दूर हूं मेरी अपनी जिंदगी मेरी अपने तरीका का जीने का तरीका है मैं रात को साढ़े नौ दस बजे सो जाता हूं कोई एक्टर नौ बजे नहीं सोता एक्सेप्ट मैंने सुना अक्षय कुमार भी सोता है दस बजे हम कई लोगों ने तो शायद सूर्योदय ही देखा होता हमारे इंडस्ट्री वालों ने तो मैं पिछले कुछ सालों से इसलिए इंडस्ट्री में बाहर हूं क्योंकि मैं चक्कर नहीं लगाता प्रोडक्शन हाउसेस के मैं शक्तिमान बना तो लोगों को लगा कि मैं प्रोड्यूसर बन गया हूं शक्तिमान बन गया हूं, मेरे पास टाइम है उनके लिए कि नहीं तो अप्रोच नहीं करते तो वो अप्रोच नहीं करते तो फिर मैं उनको अप्रोच नहीं करता मैं मैं बहुत जूजी हूं इस बारे में कि मैं क्या कर रहा हूं मेरे लायक रोल होगा मुझे पसंद आएगा मैं समझ सकता हूं कि दे नीद मुकेश खन्ना तो मैं काम करता अदरवाइज मैं ऐसे हाथ जिंदगी में नहीं किया मैंने एक छोटा सा मैसेज हमारे सुर्खियों के लिए मैसेज यही है कि इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है पूरे देश भर में और मैं चाहूंगा कि हर हर इंसान को इलेक्शन के अंदर वोट देना बहुत जरूरी है क्योंकि आपका सिर्फ अधिकार ही नहीं ये आपका कर्तव्य भी, भी है आपका एक वोट डिफरेंस क्रिएट कर सकता है लोग छुट्टी मना लेते हैं तो मैं यही कहूंगा कि एक्टिंग कि अगर आप वोट नहीं देना भी वोट का दुरुपयोग करना होता है तो इसलिए अपनी जिम्मेदारी करिए और सही कैंडिडेट को चूज़ कीजिए और मैं, मैं कह तो नहीं सकता बट कौन आएगा कौन नहीं आएगा क्योंकि अलाउड नहीं है आचार संहिता में लेकिन ये भी सीख है कि भाई हमें पता है कि जो सरकार चल रही है वो सही चल रही है और उसको आना जरूरी है थैंक यू वेरी मच सर हमारे चैनल के अंदर जुड़ने के लिए